अरे मम्मा, आप बर्तन धो रही हो, काम वाले को क्या हुआ? ये आपका काम थोड़ी ना है। अरे बेटा क्या बताऊं, इस काम वाले ने काम को काम थोड़ी ना समझा हुआ है। इसका जब मन करता है तब आती है। तो मम्मा आप उन्हें डांटो ना, और उनके पैसे भी काटता। अरे बेटा इतना गुस्सा, अभी सिर्फ तुम 9 साल के हो, इतना गुस्सा आने लग गया आपको? अपनी मम्मा को काम करते हुए देख नहीं पाते हो ना? हाँ मम्मा, आप सिर्फ ऑफिस का काम करते हुए और दादा दादी को डांटते हुए अच्छे लगते हो। चलो बर्तन धो लो, फिर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं गेम खेलने जा रही हूँ। अरे लेकिन तुमने अपना होमवर्क भी नहीं किया अभी स्कूल से आने के बाद, और कल तुम्हारा ड्यूटी है ना? अरे मम्मा टेंशन मत लो, मैं चीटिंग करके कर लूंगी। अलीना, अरे भाई कौन किसकी चीटिंग करवा रहा है? सौरभ तुम ये बर्तन धो रही हो आज कैसे? तभी तो मैं कहूँ आज इतनी तेज बारिश कैसे हो रही है। वो और क्या करूँ सागर, इस काम वाले का कुछ आता पता है नहीं, इसका जब मन करता है तब आती है, और तुम इसके कितने साइड लेते हो ना? सौरभ तुम इतना ज्यादा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता भी है पिछले 4 सालों से पूजा हमारे घर में काम कर रही है। अगर थोड़ा काम ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या हो गया, हमेशा तो घर का सारा काम ही करके जाती है ना वो। हाँ हाँ, मेरे को समझ नहीं आता तुम उसकी इतनी तरफदारी कर कैसे लेते हो। हाँ पापा, मम्मा बिल्कुल सही कह रही है, पूजा दीदी मुझे हमेशा डांटती रहती है, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। टीवी मत देख, खेल मत, पढ़ ले, और तो और जब भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मुझे उनके साथ मिलने भी नहीं देती, ना ही खेलने देती हैं। पता नहीं क्या समझती हैं खुद को। चुप रहो लीना, तुम मम्मी इतनी बड़ी नहीं हो जो सब बातें बोल रही हो। सागर तुम इसको क्यों डांट रहे हो, इसमें इसकी क्या गलती है? ठीक ही तो बोल रही है मेरी बेटी। अच्छा क्यों डांट रहा हूँ? अरे तुम कैसी माँ हो, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि उन्हें दीदी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना सिखा रही हो। अरे वो हमारे घर में इतने सालों से काम कर रही है, तुम्हें पता है कई कई बार तो अपनी क्लासेस छोड़ देती है हमारे घर के काम की वजह से। बेचारी इतनी मुश्किलों से अपनी क्लासेस की फीस भरती है। तो किसी बात का ना पता हो ना तो बोलना नहीं चाहिए, और ऊपर से अपनी बेटी को बढ़ावा भी दे रही हो। नहीं पता, और मेरे को जानना भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आई बात समझ में? अच्छा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक बात बता दूं, जब पहले तुम 8-9 दिन बीमार पड़ी थी ना, तब तुम्हें टाइफाइड हुआ था। किसने किया था हमारे घर का काम? पूजा ने किया था। पूजा ने तुम्हारा पूरा ध्यान रखा था, तुम तो बेड रेस्ट पे थी, तुम्हें तो कुछ नहीं पता था। इसको इसके स्कूल का टिफिन पूजा बना के देती थी, मुझे मेरा ब्रेकफास्ट और लंच पूजा बनाकर देती थी, मम्मी पापा का खाना डिनर सब कुछ वही करती थी, उड़ गई सब बातों को। पर बोल रही है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता है सौरा, तब से तुम ये बाहर काम करने लगी ना, घर का सारा काम भूल गई हो। तुम एक बात बोल रही हो कि तुम इस घर की बहू हो, तो ये मत बोलो कि तुम घर का एक भी काम नहीं करोगी। और हाँ, पूजा इस घर में सिर्फ काम वाली है, ये नहीं कि हमने उसको खरीद लिया है। हाई बड़ी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। दीदी आप क्यों काम कर रहे हो? आई एम सो सॉरी दीदी, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी और ऊपर से मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, आधे रास्ते में पैदल आई, उसके बाद जाके मुझे रिक्शा मिला और फिर मैं जैसे तैसे आई। सॉरी दीदी, आपको मेरी वजह से काम करना पड़ा। अलीना आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाहर जाओ, और कल ड्यूटी है ना, आप रिविजन करो, मैं आके पढ़ाती हूँ। ओके क्या हुआ दीदी? भैया बहुत गुस्से में लग रहे हैं, उन्होंने आपको डांटा या ऑफिस में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ पूजा, बस मुझे ऐसे ही बुरा लग रहा है, शायद मैं बहुत बुरी हूँ ना, बहुत सेल्फिश हो गई हूँ, अपने अलावा दूसरों के बारे में कुछ सोचती ही नहीं हूँ। नहीं दी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो और आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हो गया है? आपको पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना तब से मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपकी तरह ऑफिस जाना चाहती हूँ। ये झाड़ो पोछा बर्तन ये सब मन नहीं करता दीदी करने का, बस मैं चाहती हूँ मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं आपकी तरह ऑफिस जाऊँ और घर वालों को संभालूँ, जैसे इंडिपेंडेंट लड़की करती है ना, ठीक उसी तरह। और तो आपको सारे काम याद रहते हैं, मेरी सैलरी भी आप टाइम पर दे देते हो, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होता, बस मैं ही लेट हो जाती हूँ आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से, और मेरी वजह से आपको काम भी करना पड़ा। पर आप टेंशन मत लो, आज के बाद मैं लेट नहीं आऊँगी, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ही नहीं लूँगी, हटा दूँगी, अब ठीक है ना दीदी? नहीं नहीं पूजा, तुम्हें अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस हटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मन लगा कर पढ़ाई करो, आखिरकार तुम्हें मेरी तरह भी तो बनना है ना, और टाइम की टेंशन मत लेना, आराम से आना, थोड़ा बहुत काम तो मैं भी कर सकती हूँ, वो तो मैं इस घर की बहू ना। हाँ दीदी, अब पहले ये आप रखो बर्तन, भैया बहुत नाराज है ना, जाओ उनको आप मनाओ, मैं आप लोगों के लिए कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है?
अब सोच कह रहे हो जाओ। सागर वो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शक्ल सब बता रही है। I'm sorry, सागर। कोई बात नहीं बाबा, it's okay। और हाँ, अपनी बेटी को भी कुछ अकल दो, जाओ अब।